शरण, आज हम बात करेंगे अगर आप पहली बार माँ बन रही है या कोई भी प्रेग्नेंट वुमन पहली बार अगर माँ बन रही है और वो एक नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस की तरफ जा रही है तो उसे लेबर पेन के दौरान किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, जब भी लेबर पेन स्टार्ट होता है तब घर में बड़े बुजुर्गों से या फिर प्रेग्नेंट वुमन ने भी कभी ना कभी किसी न किसी से ये सुना होता है कि पेन स्टार्ट होते ही आपको बेबी को पुश करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेबी को पुश करने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान होना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात, आपको बेबी को पुश तभी करना है जब आपकी बच्चेदानी का मुंह ओपन हो जाए, यानी कि आपकी सर्विक्स ओपन हो जाए। अगर आपकी सर्विक्स ओपन नहीं हुई और आप बार बार बेबी को पुश किए जा रहे हो तो इससे क्या होगा कि बेबी का जो सिर है वो बच्चेदानी से बार बार टकराएगा, और जब बच्चे का सिर बार बार उससे टकराएगा तो बेबी का सिर सूज जाएगा, और बेबी का सिर अगर ज्यादा सूज जाएगा, उसमें ज्यादा सूजन आ जाएगी तो हो सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी की तरफ स्विच हो जाए। तो इसलिए जब भी आपके पेन स्टार्ट हो, आप पहली बार माँ बन रही तो आप अपने डॉक्टर से कंफर्म जरूर करें कि क्या मेरी बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, सर्विक्स ओपन हो गई है तो मैं बेबी को पुश करना स्टार्ट करूँ। अदरवाइज आप बेबी को पुश करके उसके लिए आप मुसीबत ही बढ़ा रही, अपने लिए भी प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही है। तो ये नॉलेज आपको होना बेहद जरूरी है। दूसरी बात, जो नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस होता है वो सिर्फ एक दिन में नहीं बनता, उसके लिए आपको पूरे 9th मंथ में आपको एक डाइट चार्ट, आपको अपनी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल क्रिएट करनी पड़ती है। तो अगर आपका जो पहले के 8 महीने में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा है, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रही, तो आप इसे 9th मंथ पर भी कंटिन्यू जरूर रखें। ये ना सोचे कि डिलीवरी का टाइम आने वाला है, मैंने जो किया वो बहुत है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे। और इस पर सबसे खास चीज आती है आपका ब्लड प्रेशर, आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में जरूर रखें क्योंकि ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे जरूरी सिम्टम है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 90 महीने में आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से मैनेज करके रखें, योगा पे कंसंट्रेट करें, डॉक्टर की सलाह से आप अपने योगा करें। और दूसरी बात कि जब पेन स्टार्ट हो जाए तब भी आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, बल्कि जो आपका ये प्रोसेस चल रहा है उसको आपको सपोर्ट करना है। आपके स्ट्रेस लेने से या चिंता लेने से कि डिलीवरी कब होगी, कैसे होगी, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और आपको सीजेरियन डिलीवरी की तरफ जाना पड़ जाए। और तीसरी सबसे खास बात ये कि डिलीवरी के टाइम या लेबर पेन के टाइम जिस पेन से एक प्रेग्नेंट वुमन गुजर रही होती है उतना ही पेन उनके आने वाले बेबी को भी हो रहा होता है। वो कोई अंदर से मजे से नहीं होता है, उसको भी उतना ही पेन होता है, उतना ही एफर्ट लगाना पड़ रहा है कि जितना कि आप लगा रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब भी आपका लेबर पेन स्टार्ट हो जाए और डिलीवरी तक आपको एक खास बात का ध्यान जरूर रखना है, और वो खास बात ये है कि आपको हर 5 मिनट में एक लंबी और गहरी गहरी सांस लेते रहना है। आप चाहे हर 2 मिनट से ले सकते हैं या फिर हर 5 मिनट में आपको याद रख के लंबी और गहरी सांस लेनी है। आपको सांस को फील करना है ताकि वो सांस आपके बेबी तक भी पहुंच सके। जितनी प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई आपकी पूरी बॉडी में होगी उतनी ही आपकी बेबी को भी पूरी ऑक्सीजन सप्लाई मिल पाएगी, और आप अच्छे से इस पूरे प्रोसेस को आराम से हैंडल कर पाएंगे और बेबी भी अपना पूरा एफर्ट लगा पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक और बेबी के ब्रेन तक पहुंचना बेहद जरूरी है। तो ये तो थी वो 3 खास बातें जो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताई। और अब बारिश शुरू हो गई है, आई होप आपको ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज ना सुनाई पड़ा हो। और कैसा लगा आज का वीडियो ये कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगले वीडियो तक के लिए बाय।